का मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो सावे में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब और नया क्या सितम ईजाद करोगी, लाहौर की गलियों मुझे तुम याद करोगी। हबीब जालिब, एक आवाज, एक ललकार जो मजलूमों, महकूमों और मिन्नतकशों की तर्जुमान बनी रही, वो आवाज की जिसे दबाने, झुकाने, खरीदने की ख्वाहिश हर आमरे वक्त के दिल में मचल मचल कर दम तोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब जालिब मेमोरियल सोसाइटी का क़याम न्यूयॉर्क में एक, समझ लें कि अदब की दुनिया में एक ताज़ा हवा का झोंका है। मैं इकबाल खोकर साहब को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हबीब जालिब जैसे शायर के लिए एक मेमोरियल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया जिसकी बेहद ज़रूरत थी। तो मैं हैरान भी हूँ कि इससे पहले न्यूयॉर्क में बड़ी अदबी तंजीमें काम कर रही हैं, फ़रोग़ अदब के लिए भी कर रही हैं बहुत तंजीमें, लेकिन शायद एक आधा दिन उन्होंने ज़रूर बनाया होगा हबीब जालिब के लिए, लेकिन हबीब जालिब जैसे इनकलाबी शायर के लिए उसको पज़ीराई नहीं मिली, न्यूयॉर्क में तो कम अज़ कम नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं इकबाल खोकर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हबीब जालिब के बेटे और उसकी फैमिली के साथ मिल के पाकिस्तान में इस चीज़ का आके ऐलान किया है न्यूयॉर्क में कि उन्होंने एक सोसाइटी जो है उसका क़याम अमल में लाया है। तो हम लोग सब उनके साथ हैं, बल्कि बहुत सारे दूसरे हमारे भाई दोस्त मजीब लोधी साहब हैं, उनके साथ वो सदर हैं इस सोसाइटी के, और इकबाल खोकर साहब फाउंडर चेयरमैन हैं, मैं भी बतौर कोऑर्डिनेटर उनके साथ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, और कुछ नए लोग हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, कालम निकार भी हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट भी हैं हमारे साथ, शायर भी हैं। तो मैं तो आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे लोग शामिल हों। एक चीज़ मैं आपको वज़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि हबीब जालिब की फैमिली के लिए कोई वेलफेयर या कोई पैसे इकट्ठे करने या कोई फाइनेंशियल एड वो इस सोसाइटी में नहीं होगा। इस सोसाइटी में सिर्फ़ और सिर्फ अदब और हबीब जालिब का वो कलाम जो हमारी आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो नावाकिफ़ हैं, जिससे उससे उनकी वाकफियत करवाई जाएगी, उन्हें ये अवेयरनेस दी जाएगी कि हमारे इनकलाबी शायर हबीब जालिब जो हैं वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या काम किया, किन जाबिर बादशाहों, हमारे बादशाही मैं कहूँगा जो जाबिर सुल्तान थे, जो हमारे मार्शल्ला के दौर थे जिनको स्याह दौर कहा जा सकता है, उस दौर में किस तरह से मुकाबला किया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हबीब जालिब एक जुर्रत का नाम है, हबीब जालिब एक बहादुर इंसान थे, हबीब जालिब एक खुददार इंसान थे, उन्होंने कभी किसी गवर्नमेंट से कोई वजीफ़ा नहीं लिया, किसी गवर्नमेंट के लिए बिके नहीं, और एक बहादुर और एक नडर इंसान थे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने न्यूयॉर्क के दोस्तों को जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं या जो दिलचस्पी रखते हैं अदब से कि वो आएँ और शामिल हों, और आइए हबीब जालिब के लिए, हबीब जालिब के नाम पे कुछ काम करें, और कोई ऐसा काम करें कि हमारी जो आइंदा नस्ल है, जो आने वाली वो नस्ल जो है उस तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाए। मैं आखिर में सैयद जाहिद शहबाज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ पाक वतन टीवी का कि गो वो हमारा एक हिस्सा भी हैं सोसाइटी का, और इसके अलावा भी इस कम्युनिटी की जो खिदमत कर रहे हैं वॉलंटियर, मैं उस सिलसिले में उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।
उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ है जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क के निजात है। तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले जबां, इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हबीब जालब साहब के बारे बात करने के लिए इंसान को सबसे पहले तो हबीब जालब साहब को स्टडी करना पड़ता है। हम मशकूर हैं इकबाल खोखर साहब के, जिन्होंने हबीब जालब मेमोरियल फाउंडेशन का क़याम रखा। हम अपने दोस्त इकबाल खोखर साहब के साथ हैं। बेसिकली तौर पे हबीब जालब साहब नाम है एक इनकलाब का, क्योंकि हबीब जालब साहब एक शायर भी थे, एक दोस्त भी थे, और बहुत ही एक नफीस इंसान थे। बेदाग ज़िंदगी है उनकी। हबीब जालब साहब ने उर्दू शायरी में वो मुकाम हासिल किया जो आज तक शायद बहुत कम शायर हासिल कर चुके हैं। हबीब जालब साहब 1928 में ज़िला होशियारपुर में भारतीय पंजाब में पैदा हुए, और उन्होंने 10वीं तक तालीम दिल्ली में ही हासिल की। उसके बाद हबीब जालब साहब कराची आ गए, फिर मुख्तलिफ शहरों से होते हुए उन्होंने लाहौर में आके क़याम किया। याया खान के दौर में हबीब जालब साहब ने बहुत सी सोबतों कैदोबंद बर्दाश्त की, और बहुत सी शायरी उन्होंने जेल में ही बैठकर लिखी। उन पे बात करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, और इंशाल्लाह ताला जैसा कि अब हबीब जालब मेमोरियल फाउंडेशन का क़याम हमारे दोस्त इकबाल खोखर साहब ने इधर न्यूयॉर्क में रखी है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत सी अदबी महफ़िल होंगी जहां पे हबीब जालब साहब का कलाम भी पढ़ा जाएगा और उस कलाम को सराहा भी जाएगा। हम बहुत मशकूर हैं एक बार फिर इकबाल खोखर साहब के कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से हबीब जालब साहब के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। सीनों के सिले लगे तुमको, इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता तुमको। फूल शाखों पे खिलने लगे तुमको, ये बात तुमको, तुमको जाम रिंदों को मिलने लगे तुमको, चाक सीनों के सिलने लगे तुमको, इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारा कर दर्द मंदों के बनते हो क्यों तुम, नहीं चारा कर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जब ये मैंने नज़्म खत्म की, मुशायरा खत्म हो गया और पब्लिक मेरे साथ मरी रोड पे आ गई। एक सीनियर शायर ने कहा मौका नहीं था, मैंने कहा मैं मौका परस्त नहीं हूं। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को
صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں دلا مانتا. جن کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چار گرد دمندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چار اگر کوئی مانے, مگر میں نہیں مانتا. سید زاہد شہباز, پاک وطن ڈا ٹی وی. کچھ دن ہوئے ہماری ایک بہت بڑی دانشور اور کارنر انجم نیاز کا انتقال ہو گیا, اگر ہم سب اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیں تو ایک ہوگا ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب القبر. صلى الله تعالى على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم, سيدنا محمد مبارك صلى الله عليه وسلم. مختلف پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ دو سال ایک سال یا کسی کے ساتھ زیادہ کام کیا ہے, آپ سبھی دوستوں کے ساتھ جو دوست رہے آئے ہیں, تو حبیب یادو کا جو آپ نے فاؤنڈیشن بنائی ہے یہ بہت نوبل بات ہے, اور انہوں نے سوسائٹی کے لیے, عام آدمی کے لیے جو کچھ کیا ہے وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اب دیکھیں کہ حبیب یادو فاؤنڈیشن اس کے لیے کیا کر سکتی ہے, ان کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے. یہ بھی ان کی فیملی بھی ایکشن میں ہے ادھر سنا ہے, لیکن مجھے آج یہ دیکھ کر, میرا نیفیو کے برابر ہی ہے عمران, تو یہ بہرحال ایک ونڈرفل اچیومنٹ ہے. میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ, لوگ جانتے ہیں 15-20 سال پہلے غلام علی بیگ صاحب, ہم اکٹھے کام کرتے تھے, یہ سید زاہد شہباز صاحب, وہ کہ میں نے یہ چودھری مدثر صاحب اور طاہر خان صاحب کے ساتھ بھی مختلف اگریسولی جو بھی ہم کام کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. تو مجھے عمران کو دیکھ کر اور بڑی خوشی ہوئی ہے, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دیٹ. اور کس کی یہ اعزاز ہے, اور یہ بڑے ایک اعزاز کی بات ہے کہ نیو یارک میں اب نئی ادبی تنظیم فاؤنڈیشن کا اجرا ہو رہا ہے, تو یہاں پہ آج اس کی پوری تقریب ہے, میں اس تقریب کا ایک شریک اس تقریب میں. حبیب جادب نے پوری زندگی ظلم استبداد اور جابر حکمرانوں کے خلاف لکھا ہے اور ان کو للکارا سزا بھی پائے. یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ جو ہیں ان میں سے میجورٹی کا تعلق میڈیا سے ہے, اور کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں, جو کہ مشکل ترین حالات میں بھی کمیونٹی کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں. تو حبیب جادب فاؤنڈیشن انہوں نے ایکسپوشر کے ساتھ منسلک کیا, تو حبیب جادب صاحب کے بارے میں بڑے پروگرام ہوتے تھے, آپ سبھی جانتے ہیں 1928 میں حبیب جادب صاحب ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے, پاکستان بننے کے بعد ادھر تشریف لے آئے, یہاں پہ آ کے کراچی میں چک پواد میں کچھ عرصہ پڑھتے رہے, اس کے بعد کراچی میں امروز اخبار جو ہوتا تھا اس وقت بڑا زوردار اخبار ہوتا تھا, اس میں انہوں نے پروف رائٹر کے طور پہ
ड्रॉप किया, फिर उसके बाद रोजनामा जंग जब आया उसके साथ भी मुंसलिक रहे। 1957 में उनका पहला मजमुआ शाया हुआ और आपने ये सुना है जो कहते हैं एक दस्तूर उस वक्त जो मक्शला में अयूब खान साहब ने दिया उसके अगेंस्ट इन्होंने जो गज़ल जो अक्सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है हम मजाक करते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद ये नज़म है ही उनकी शहबाज शरीफ की। अबीर जैनर साहब वो एक इनकलाबी शायर थे। उसके बाद 1960 में उनको कैद किया गया। 1960 और 1970 के दरमियान में जो उनकी शायरी है वो बड़ी कमाल की शायरी उन्होंने की। फिर उसके बाद वो लाहौर चले आए, बाकी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी। एक वाक्य सिर्फ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि खालिद राजा साहब वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का एतजाज कैसे समझते हैं भाई कि जब ये उनको एक उस जमाने में फ्रॉड्स दिए गए सब और निशान इम्तियाज भी लगे एक निकार और दबाव भी दिया, तो उस पर वो चीफ सेक्रेटरी जो था उसने उस वक्त कुछ गार्डन जावेद कुरैशी साहब या उससे पहले की बात वो बड़ा दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने कहा कि हमें एक प्लॉट देना चाहते हैं हबीब जाबिर, तो हबीब जाबिर साहब ने इनकार कर दिया मेरे से जी। तो हबीब जाबिर साहब को जब बड़ा ही जोर दिया उनके दोस्तों ने तो इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करें आप दो लोगों की कमेटी बना दें, अगर ये फैसला करते तो मैं नहीं। तो कमेटी बनी खालिद रांझा साहब की और एतजाज हसन साहब। तो ये उनके घर में जाके उनको मिन्नत करते आए कि आप मेहरबानी करके ये जो प्लॉट मुझे गवर्नमेंट दे रही है ये मैंने लेना नहीं है, तो आपने ये फैसला देना है कि ये इस काबिल नहीं है। तो वो बड़े हैरान हुए, वो कहते हैं ये हम क्या कैसे सकते हैं। तो कहते हैं ये जैसे भी हो अगर आप चाहते हैं ये रिवॉर्ड है मेरा, मेरी सर्विस का रिवॉर्ड है, तो आखिरी उम्र में मेरे पे ये दबाना है। तो वो प्लॉट इन्होंने नहीं लिया। तो हबीब जाधव साहब इस दौर में जो आज एक बेअदबी का और एक तमीज़ की कमी हम इस मौसम में देख रहे हैं, इस वक्त हमें जरूरत है इन जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे हर उम्र है और जो हमारे से कम उम्र है उनके लिए कोई ऐसा फॉर्म स्पष्ट हो शायद। और सायका इनको बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप पिशावर की शायद हो सकती हैं जहाँ इनको इनके बारे में मैं उर्दू से ट्रांसलेट करती रहती हूँ जैसे मैं इस तरह। तो नसर को तो ट्रांसलेट करना आसान है लेकिन शायरी को शायरी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। मैं इस वक्त इस कश्मकश में हूँ कि जैसे मुझे भी बुलाया गया था कि आप आ जाएं और आपको बताया जाएगा कि इस अभी जाने में क्या है, लेकिन उन्होंने आके मुझे सदारत की कुर्सी पर बिठाया। 41 साल में मैं कभी किसी सदारत की कुर्सी पर भी आज में नहीं बैठा हूँ ये सोच कर ये सोच कर कि कहीं तो लुटना है फिर नकदे जहाँ बचाना क्या आ गए हो जो मक्तल में जहाँ बचाना क्या फिर दे छुरी फिर दे छुरी। ये देख कर बड़ी खुशी हुई जब होकर साहब ने बताया कि जालिम फाउंडेशन के तहत एक इदारा बना है। देखिए न्यूयॉर्क में बेशुमार अदबी तंजीमें सोशल तंजीमें मुख्तलिफ हवालों से अदब की खिदमत कभी किसी शायर के नाम पर कभी मुस्तकिल इजलास के ज़रिए से ये करते आए और इसकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि यहाँ पर सियासी तंजीमों का बढ़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं कहूँगा कि ये जालिब फाउंडेशन की जगह अगर आप कहें जालिब मेमोरियल फाउंडेशन तो मेरी नज़र में ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाउंडेशन में आपको बहुत मुश्किलात आगे पड़ेंगी और यहाँ मुंतसिब शहर बहुत ज़्यादा है शहर में, तो वो उंगली उठाएंगे कि भाई ये फाउंडेशन का मतलब तो ये होता है उसमें पैसा लगेगा मुलाजमीन होंगे और वो किसी खास प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन सियासत को जरा कम रखना है, लेकिन हमने अपने सियासी दोस्तों को शामिल किया है कि वो हमें फीडबैक देंगे, हमारे साथ खड़े भी होंगे, हमें मशवरे देंगे और जो उन्होंने अपना उनका बयानिया है वो भी बताएंगे। यही है जो वो
लेकिन क्योंकि सियासतदानों का होता है कि कोई उनके अपनी मजबूरियाँ हैं कि कोई उन्हें पसंद है हबीब जालन की शायरी, किसी को नहीं पसंद, कोई तरकी पसंद शायरी पसंद करता है, कोई हफीज जलंधरी को पसंद करता है, तो इस तरह डिफरेंट अपने वो चीज़ें टेस्ट है। तो इसके अंडर जो है ना कोई किसी से मुकाबला नहीं है, किसी तंजीम से कोई वो नहीं है, काफिर आई नहीं है, हर बंदा आ सकता है, हर बंदा शामिल हो सकता है, हर बंदा फीडबैक दे सकता है। और हमें आपकी साथ के तावन का शुक्रिया, और मैं अब फदन फदन सारे दोस्तों का, सारी दोनों खवातीन का बेहद ममनून और मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। आज ज़्यादा बातें नहीं, आज यही फॉर्मेट बस। यानी अपने तकरीबन 38 इयर्स प्लस मेडिकल फील्ड से काम करता और कम्युनिटीस्ट और पाकोली पाकिस्तान कंट्रोलर तो गुड लक, बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है, अभी प्रोग्राम है इसकी यहाँ पे जोड़ दी है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया सदीका है, बेसिकली मैं एक टीचर हूँ। हाँ साहब, फार्मर्स को और हेरिटेज लर्नर्स को मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, और अभी मैंने मेरी कंपनी भी मैंने ओन किया, बना लिया, और इसके साथ मैं इंटरप्रिटेशन करती हूँ और ट्रांसलेशन करती हूँ, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज की और मूवीज की, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश जो सब टाइटल है वो भी दिए हैं, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट करती हूँ, अपने कम्युनिटी के कामों में आती जाती हूँ और देखती हूँ कम्युनिटी क्या कर रही है, और अब्सॉर्व करने की कोशिश करती हूँ, अच्छे कामों में इनके साथ हूँ, हमेशा खड़ी रहती हूँ जब वो ज़रूरत होती है मेरी कम्युनिटी को, और अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो सके करती हूँ, और अपने नवा और जो मेरे हमसाए लोग हैं, बच्चे हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, और उर्दू स्पेशली मैं उसके लिए ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो कल्चर है, मेरा हेरिटेज, मेरी ज़ुबान वो मेरे साथ ही ना ख़त्म हो जाए, आइंदा आने वाली नस्लों को मैं अपनी ये ज़ुबान का वैसा दे सकूँ, और ये बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मुझे फाउंडेशन में इन्होंने रखा है, और ये ज़रूरी है हम लोगों को भी अपने हीरोज को याद करने के लिए, उनको अब जैसे ये एक बहुत बड़ा नाम है, और अपनी अगली नस्लों को बताने के लिए कि ऐसे हीरोज हमारे विरसे में हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो हमारी धरती से बुलंद करते हैं, और मैं रियली आपकी शुक्रगुजार हूँ सबकी, और ये इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं इनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला है, और इंशाल्लाह टीम का हिस्सा होंगे और अच्छे काम करेंगे। पाकिस्तान न्यूज़ में अब तक कालम आता है, बेसिकली अफसाने लिखे हमने, तो भुगर साहब के साथ भी हमने बहुत कुछ किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और बाबे जौक के हम मेम्बर रहे हैं, अभी भी मुझे शानदार जी नाम साहब के साथ ज़्यादा किया है, किसी का थोड़ा किया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को कि उन्होंने हमारे शाहिद साहब ने, अभी जाल साहब ने आम आदमी के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा उन्होंने कलाम पेश किया है, और मैं भी एमआरडी के दोस्तों में होगा। अस्सलामुअलैकुम साहब, जैसे कि मुजीब लोधी साहब मेरे पब्लिशर हैं, इन्होंने बताया कि मैं, मेरा नाम सरदार नसरुल्लाह है, क्या है कि कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर, शहर के चराहों को हवा जानती है, तो मैं खाकसार हूँ, और मुझे जब पता लगा कि आज हबीब जालब, बल्कि मैं तो जालब नर के हवाले से आज उनकी मजलिस है, और ला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, भुला भी दे उसे जो बात हो गई प्यारे, नए चिराग जला रात हो गई प्यारे, तेरी निगाहे पशेमां को कैसे देखूंगा, कभी जो तुझसे मुलाकात हो गई प्यारे, न तेरी याद न दुनिया का गम न अपना ख्याल, अजीब सूरत हालात हो गई प्यारे। सरजमीन